पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 7 मार्च को फ्रेजर रोड डाक बंगला के पास हुए 3 दहाड़े व्यापारी लूट कांड का सफल उद्भेदन कर बड़ी सफलता हासिल की है। सेंट्रल एसपी ने पीसी कर मामले का खुलासा किया है। इस लूट कांड में एक सैयद रजा हाथमी नाम के लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 लुटेरा अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस लूट कांड में 3 मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जिसमें 2 मोटरसाइकिल चोरी का बताया जा रहा है। 3 दहाड़े 5 लुटेरों ने 2 किलो सोना लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने लूट कांड का सफल उद्भेदन कर मामले का खुलासा कर दिया है। 7 मार्च को कोतवाली थाना अंतर्गत डाक बंगला चौराहे के पास एक घटना हुई थी, जिसमें एक स्वर्ण व्यापारी की करीब 2 किलो से थोड़ा अधिक सोना जो है लूट लिया गया था। तो उसका जो है हमारी एक टीम बनाई गई, उसके आलोक में घटना को सफल उद्भेदन करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए वो DSP लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में कुछ इंस्पेक्टर्स और अलग ऑफिसर्स का, जिसका लिस्ट आपको दिया जाएगा, एक टीम बनाई गई। उन्होंने काफ़ी जल्दी जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, टेक्निकल एंगल से इन्वेस्टिगेट किया और CCTV को खंगाला गया और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो गैदर किया गया। और उसके बाद जो है कल जो है हमारा इस कांड में सफल उद्भेदन हो गया है और कांड में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। और कांड में जो भी गाड़ी प्रयुक्त हुए थे वो तीनों गाड़ियों को जब्त किया गया। और जो बाकी जो कांड में संलिप्त जो अभियुक्त हैं उनका भी हम लोगों ने नाम पता कर लिया है, परंतु अभी जो है उनका इन्वेस्टिगेशन क्योंकि अभी जारी है, उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है इसी वक्त, तो उनके बारे में सूचना आगे दी जाएगी जब उनकी गिरफ्तारी और अलग रिकवरीज होंगी। तो फिलहाल जो है हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया है। एक व्यक्ति गिरफ्तार है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम है सैयद अली रजा हाशमी, पिता सैयद अली अहमद हाशमी, और ये रहने वाले हैं खाजे चांद छपरा थाना गरौली के। और जो घटना में प्रयुक्त तो मोटरसाइकिल थी, उसमें से 2 मोटरसाइकिल जो है अनुसंधान में अभी तक आया है कि वो चोरी के थे, जो कि सैयद अली रजा हाशमी के जो इनका पैतृक घर है, परमानेंट हाउस है, उसी के आसपास से भी चोरी हुई थी, ऐसा भी अभी आया है अनुसंधान में। और इसमें अग्रतर अनुसंधान जब होगी और जो बाकी जब रिकवरीज होंगी और जो लोगों को गिरफ्तार की जाएगी, तो उसके बाद आप लोगों को इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। धन्यवाद। ये रहने वाला छपरा